तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सैमसंग के तो वैसे सभी स्मार्टफोन लगभग काफी बढ़िया होते हैं, लेकिन सैमसंग के एम सीरीज के स्मार्टफोन का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। यानी कि इस सीरीज के स्मार्टफोन काफी बढ़िया होते हैं और इसमें हमें प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया जो है फीचर देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सैमसंग एम सीरीज में एक न्यू स्मार्टफोन जो है लॉन्च करने वाला है, और जैसे कि टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी M33 के बारे में जो है बात करेंगे कि इसमें हमें क्या स्पेसिफिकेशन जो है देखने को मिलेंगे और ये स्मार्टफोन कब तक जो है लॉन्च होगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन कुछ दिन पहले एक वेबसाइट पर अपेयर हुआ था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, और अब ये स्मार्टफोन दो और वेबसाइट पर जो है स्पॉट हो चुका है जहां से इसके न्यू डिटेल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों अगर आप भी एक्साइटेड हैं M33 को लेकर तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखना। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों अभी तक की लीक्स की माने तो इस फोन का डिजाइन जो है A52 जैसा होने वाला है, यानी कि कैमरा का जो डिजाइन होगा वो आपको A52 जैसा जो है देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको पंच होल जो है देखने को मिल जाएगा। और कुछ लीक्स ऐसे भी आ रहे हैं कि इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये काफी कमाल की बात हो जाएगी कि इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम स्मार्टफोन में आपको ऐसा देखने को मिलता है। बाकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है देखने को मिलती है, जो कि फुल HD प्लस यानी कि 1080p रेजोल्यूशन वाली 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको काफी इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिलता है डिस्प्ले को लेकर, तो डिस्प्ले इस फोन की काफी बढ़िया रहने वाली है। वहीं बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर आपको 64 MP का जो है मेन सेंसर देखने को मिलेगा। बेसिकली इस फोन में आपको क्वाडर कैमरा जो है देखने को मिल जाता है, और सेकंड सेंसर आपको 12 MP का अल्ट्रा एंगल लेंस और 5 MP के डेप और माइक्रो सेंसर जो है देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो कैमरा यहाँ पर आपको नॉर्मली जो है देखने को मिलता है बाकी जो स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग के, बट यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी जो है देखने को मिल जाता है, जो कि कैमरे की क्वालिटी काफी इंप्रूव करेगा। तो यहाँ पर आपको पिक्चर की क्वालिटी काफी बढ़िया जो है देखने को मिलेगी। डिजाइन डिस्प्ले कैमरे के बाद बात करें दोस्तों इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों वैसे इस फोन के प्रोसेसर के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फोन में आपको एक्सिनोस 1200 का प्रोसेसर जो है देखने को मिलेगा, जो कि अभी ऑफिशियल अनवील नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों इस फोन में आपको दो रैम वेरिएंट जो है देखने को मिलेंगे, 6GB रैम और 8GB रैम, जिसमें आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज जो है देखने को मिलेगी। वहीं बात करते हैं दोस्तों इस फोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी जो है देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 25W की फास्ट चार्जिंग जो है देखने को मिल जाएगी। बाकी तो आपको लॉन्च के टाइम ही पता चलेगा कि इस फोन में आपको 15W का फास्ट चार्जर जो है देखने को मिलेगा या 25W का फास्ट चार्जर जो है देखने को मिलेगा। वहीं इस फोन के अदर फीचर के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0, NFC और सैमसंग की नॉन सिक्योरिटी और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी जो है देखने को मिल जाता है। वहीं ये फोन एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, जो कि बनीवाई 4.0 पर बेस्ड होगा। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन काफी कमाल के फीचर के साथ जो है आता है। वहीं दोस्तों बात करें इस फोन के एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च के बारे में, तो दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फोन आपको 10 मार्च तक जो है देखने को मिल जाएगा, और इस फोन की प्राइसिंग आपको 20 से 22 हज़ार के बजट में जो है देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगता है इस प्राइस फोन के साथ आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।